कांटी क्षेत्र के सादिकपुर में गरीब बस्ती में खड़े हैं। यहाँ के लोग मूलभूत समस्याओं से इतना परेशान है कि किसके पास जाए, कहाँ जाए, कोई सुनने वाला नहीं। आज हम यहाँ आए हैं, भारी तादाद में गरीब लोग कह रहे हैं कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी हम घर से मुख्य सड़क तक पगडंडी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज तक हम मुख्य सड़क से हमारा गांव नहीं जुड़ पाया। इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन का चर्चा गरीब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी की बात हो रही है, शौचालय बनाने के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है, जिनका गरीब का शौचालय बन गया है अगर रिश्वत नहीं दे रहा है तो उसका भुगतान नहीं हो रहा है। काफी भयानक स्थिति इस इलाके में है और नौजवान अब बिल्कुल लड़ने के मूड में आ गया है। नौजवानों का एक ही कहना है कि अजीत भाई आप हमारा नेतृत्व करिए, अब कितना दिन दब के रहेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम आज इस सादिकपुर गांव में गरीबों की ओर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि गरीब प्रखंड कार्यालय तक जाते जाते थक कर अब घर बैठ गया है, उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है। संपर्क सड़क का अगर चर्चा करें तो संपर्क सड़क की स्थिति है कि हजारों आवेदन जिला कलेक्टर के कार्यालय में संपर्क सड़क के लिए पड़ा हुआ है। राशि के अभाव में गरीब बस्ती को जो पक्की सड़क से जोड़ने का सरकार का योजना था वो बिल्कुल दम तोड़ रहा है। हम आज बड़ा स्पष्ट शब्दों में मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप गरीब की बात करते हैं, सरजमीन पर केवल गरीबों के उत्थान के लिए योजना बनाया जा रहा है, लेकिन आपको बड़ा क्लियर कट जमीनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि कहीं भी गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारी और बिचौलिया बिल्कुल लूट मार किए हुए हैं। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगा तो आने वाले दिनों में, अभी तो जो अव्यवस्था है, आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा अव्यवस्था हो जाएगा और इसकी सारी जिम्मेवारी चाहे वो मोदी जी हों, नीतीश जी आप हों, ये आपके सर जाएगा। जबकि आप दोनों का संकल्प है कि इस राष्ट्र और इस प्रदेश को हम आगे बढ़ाएंगे, विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को मुख्य धारा में लाएंगे, लेकिन आप बात जरूर करते हैं लेकिन सरजमीन पर ठीक इसके विपरीत आज सारा स्थिति बना हुआ है। हम आपसे एक स्पष्ट मांग करते हैं कि कांटी और मरवन प्रखंड में जितना टोला टपरी है, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का, जो मुख्य सड़क से वंचित है, पगडंडी से चलता है, मालिक के रहमो करम पर घर से उसकी बहु बेटी रोड तक पहुंचता है, प्राथमिकता पर पैसा का व्यवस्था करके कम से कम गरीब बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करिए, नहीं तो भारी लड़ाई अब शुरू हो जाएगी।